नमस्कार, मैं हूं अपर्णा सिंह और आप देख रहे हैं मेट्रो टीवी। पानी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अगर आप उनके बॉटल्स और कैन को इधर उधर फेंकने की सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए। जी हां, अब प्लास्टिक और कैन से आपको मिल सकते हैं इनाम। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता वर्षा गौतम। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे भारत में कई समय से काफ़ी कड़े कदम उठाए गए हैं। इसी को देखते हुए भी पूरे भारत में कई लोगों ने बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है और इस वक्त हम मौजूद हैं पालिका बाजार के गेट नंबर 2 के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिवर्स वेंडिंग मशीन लगी हुई है। ये किस तरह से काम करती है, इस ये जो कंपनी है RVM, इसके अधिकारी से हम जान लेते हैं कि ये मशीन किस तरह से काम करती है। आप मुझे बताएंगे ये मशीन यहाँ पर लगाई गई है ये किस तरीके से? मैम, ये जो लोग क्या करते हैं, खाली बोतल ले तो किसी काम का नहीं, यूजलेस है, लोग इसको उठाकर फेंक देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके तहत जो नरेंद्र मोदी का एक सपना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, इसके तहत मैंने एक मशीन को यहाँ पर कॉलिब्रेट किया, इसको स्थापना यहाँ पर की। इस मशीन का पर्पस मेन रूप से, मेरा मोटिव ये है कि जितने भी आसपास के शॉप वाले हैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे खाने पीने की वस्तु में क्या करते हैं लोग, मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ा होती है, लोग इधर उधर इसको फेंक देते हैं। मच्छर, मलेरिया, तरह महामारियाँ, ऐसे बारिश का समय हुआ लोग क्या करते हैं, इसमें ढककर अलग कर दिए तो बोतल को अलग कर दिए, बारिश के बूंद गई इसे क्या मच्छर पर पनपा, इसमें तरह तरह की महामारियाँ पर फैलती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि तरह तरह की बीमारियाँ। उससे निपटने बचने के लिए हमने क्या रिवेंडिंग मशीन लगाया। इससे लोगों को दो लाभ मिले, एक तो पहली लाभ यह कि पर्यावरण की सुरक्षा पूरा की जा सके, दूसरी कि लोगों को जो हेल्थ हाइजीनिक प्रॉब्लम है वो ना हो। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस बोतल को मशीन में डालेंगे, ये बोतल क्या करेगी इसको क्रेस करके अंदर रख लेगी। इसमें 4-5 तरह के ऑप्शन आएंगे आपके पास, आपको अगर टोकन चाहिए टोकन मिल जाएगा खाने के लिए, एक पंदू ही काज हो जाएगा। लोग ताकि चाहेंगे चलो भाई वहाँ के फेंक हम इसमें जाकर डाल दें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने इंसर्ट किया और ऑप्शन आएगा यहाँ पे प्रेस टू हेयर इंसर्ट का, इस बटन पर जाकर हम क्लिक करेंगे, ये जो माउथ है ऑलरेडी ये क्लोज है, ये माउथ ऊपर की ओर जाएगी, ढक्कन पूरा खुलेगी। यहाँ मैंने क्लिक किया, ये माउथ ऊपर की तरफ खुलेगी। अब इसको क्या करेंगे, ये जो बारकोड है, यहाँ पे बारकोड आप देख रहे हैं इस बोतल पे, जो बारकोड है वो अब केवल जनरेट होगी इसमें। अगर बारकोड नहीं है तो ये मशीन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब क्या करेंगे, इसको सीधा करके डालेंगे, इसका जो टेल है पीछे की तरफ करेंगे, माउथ आगे की तरफ करेंगे, तो सेंसर आप इसको इसे डालेंगे, ये अंदर चली गई। अब ये गेट नाउ का ऑप्शन आ गया, रेड कलर की बटन चलेगी ग्रीन। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब ये ढक्कन क्लोज पूरी तरह से हो गई, बोतल क्रेस करके अब इसको अंदर रख ली। अब इस पर ऑप्शन है डोनेशन, इसको दान देना चाहते हैं या कूपन चाहिए, क्यूरेट का चाहिए, इसमें स्टूडेंट को कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, फोन में मतलब पेटीएम मतलब कुछ पैसे मिल जाएंगे आपको, वेबसाइट में मतलब 20 मिनट का आपको नेट दिया जाएगा, आप उसको नेट को यूज पूरा कर सकते हैं किसी भी तरह से। आपके पालिका बाजार में जो भी शॉप्स हैं, या मेडिकल की शॉप्स हो, या MD हो, या मैकडोनल्ड्स हो, या बिरजू फ्लावर हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी शॉप वाले हो, इस पर आपको डिस्काउंट देंगे। केवल मेरा काम है कि इसको जागरूक कर दे लोगों को। अभी हमने जो मशीन है एक तो यहाँ लगाई है और दूसरी मशीन हमारी लखनऊ में सहारा मॉल में है, और इसके बाद हम 20 और मशीन्स ला रहे हैं जो कि हम पालिका बाज़ार कनॉट प्लेस एरिया में लगाएंगे, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लगाएंगे और वाटर पार्क्स में लगाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। इसके अलावा हम लोग रेलवे से टाई अप कर रहे हैं कि हम सारे रेलवे स्टेशन ऑल अक्रॉस इंडिया इस मशीन को लगा सके। तो देखा आपने किस तरह से रिवर्स वेंडिंग मशीन जो है कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान में एक बेहद ही अहम रोल निभा रही है। न सिर्फ लोग इस चीज़ को लेके जागरूक होंगे कि अपने आसपास पड़ा जो कचरा है, खास करके प्लास्टिक, जिस पर गवर्नमेंट जो है अब तक कहीं कड़े कदम उठाती आई है, उस चीज़ को लेकर लोगों को लुभाने के लिए भी, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी ये जो RVM जो कंपनी है बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये RVM मशीन जो आप देख सकते हैं पालिका बाजार गेट नंबर 2 के सामने लगी है। ऐसी कई मशीनें अब तक जैसे लखनऊ और सहारा मॉल के सामने लगी हुई है, तो अब तक काफ़ी सक्सेसफुली इस चीज़ को रिकॉर्ड किया गया है। आगे इनके कई आगे फ्यूचर प्लान्स रहने वाले हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ वर्षा गौतम, मेट्रो नाउ इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए मेट्रो टीवी। नमस्कार।